हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पनीशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नाम श्वेता। अभी हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो आपके टीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल रहेंगे। सो आज है डे 32। अभी तक हमने 31 क्लासेस कर लिया है, जो आपको करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो आई बटन आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड उससे पहले, अगर आप DFCCIL की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप चाहो तो आप टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज जो है खरीद सकते हो। यहाँ पे आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑपरेशंस एंड BD जो भी यहाँ पे है ना, सो उन सारे के सारे के लिए यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा, सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखेंगे, बहुत सारे फ्री क्विजेस भी अवेलेबल है यहाँ पे, आप यूटिलाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। एंड यहाँ पे अगर आप पैन टैन का ओके यहाँ पे अगर कोड यूज कर रहे हो ना, आपको एडिशनली 10% ऑफ मिल रही है। एंड यहाँ पे अगर एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर तक आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में भी कुछ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। एंड यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स के पास कुछ स्टूडेंट्स के बाद कुछ और कोड्स भी हो रहते हैं, अगर वो भी आप आपस में एक्सचेंज कर लेते हो तो आपको और एक्स्ट्रा एडिशनली ऑफ मिल जाता। ओके, सो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द स्ट्रगल विद एन MMR ऑफ द इमरजेंसी। सो कौन है यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? ऑप्शन नंबर ए अशोक चक्रवर्ती विल बी योर राइट आंसर। ये जो है एक इकोनॉमिस्ट है। सो इन्होंने 1975 से लेके 1977 में, जब हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, इन्होंने जो है नेशनल इमरजेंसी कहा है। तो इसी के बारे में, उसी स्ट्रगल के बारे में, इंडिया के बारे में यहाँ पे इन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। So there will be how many oath takers during the opening ceremony of Tokyo 2020 Olympics Games? So कितने, so usually हम देखते हैं ना 2020 से पहले जब 2016 में हुआ था ओलंपिक्स, so there were थ्री oath takers हुआ करते थे, पर अभी इसको जो है डबल कर दिया गया है, तो कितने हैं, 6 oath takers रहेंगे। तो यहाँ पे क्यों डबल किया गया है, तो जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है ना, उसको एंश्योर करने के लिए, उसको हटाने के लिए यहाँ पे डबल किया गया है। सो आपको पता ही है, कल से हमारे ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, 23 जुलाई से कल ओपनिंग सेरेमनी होगा एंड 8 अगस्त को एंड होगा। ओके, अगर हम फ्लैग बेरर की बात करेंगे ओपन सेरेमनी में, हु विल बी द फ्लैग बेरर, वो है मैरी कॉम, एंड कौन है, मनप्रीत सिंह। ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी में जो है फ्लैग बेरर्स रहेंगे। सो 2016 में जब ओलंपिक्स हुआ था, ओनली 1 फ्लैग बेरर होता था। सो जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए 2 लोगों को यहाँ पे चूज किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट देखना यहाँ पे। सो विच ब्रांड, चाइनीज फैशन ब्रांड इज सेट टू री एंटर इंडिया थ्रू अमेजोन। सो शीन यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। सो जब हमारे कंट्री में चाइनीज ऐप बैन हो गए थे, उसी दौरान जो है इसको भी बैन किया गया था। सो अभी अमेजोन का, अमेजोन में शीन के प्रोडक्ट्स जो है मिलना यहाँ पे शुरू हो रहा है। ओके, सो अमेजोन से जो है री एंट्री कर रही है शीन ब्रांड। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। So who is the author of the book The Art of Conjuring Alternate Related Realities How Information Warfare Shapes Your World? So ये book जो है किसने लिखा है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो जाएगा, यानी
शिवम शंकर सिंह एंड अनंत वेंकट नारायण जो है दोनों के द्वारा इस बुक को जो है लिखा गया है। ओके इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, बुक्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो रिसेंट है। सो नेक्स्ट देखना, विच स्टेट हैज़ अलाउड कुनवार यात्रा 2021। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सो ऑप्शन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं, योगी आदित्यनंद इज अ चीफ मिनिस्टर। एंड गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल इज अ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स की बात करेंगे तो लोकसभा में 8 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, राज्यसभा की बात करते हैं तो 31 सीट्स है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कब से जो है कुनवार यात्रा का यहाँ पे परमिशन दिया गया है, तो जुलाई 25 से जो है यहाँ से शुरू हो सकता है। सो इस तरह से लोग घूमेंगे तो कोविड का थर्ड वेव अभी आना बाकी है, बहुत जल्दी आ जाएगा। ऐसा हमने देखा ओडिशा में हुआ, यात्रा हुआ था ना पूरी जगन्नाथ का, अभी कुनवार यात्रा भी होगा। और केरला में तो अभी लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा लगना भी शुरू हो गया। सो आप सारे लोग ना सेफ रहो थोड़ा, ठीक है ना, कहीं पे भी मत जाओ, ओके सेफ रहो, क्योंकि थर्ड वेव आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। ओके सो नेक्स्ट देखना, सो द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक हैज टाइड अप विथ विच इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द हिमालयन याक्स। सो याक हमने बचपन में पढ़ा था, वाई फॉर याक, तो जब हमें ज़्यादा पता नहीं रहता था कि याक बोले तो क्या, पर अभी तो पता है या ना, याक बोले तो ये है, पता है आप सारे लोगों को, पता है मुझे। सो यहाँ पे देखना, सो इंश्योरेंस पॉलिसी दिया जा रहा है, फर्स्ट एवर इंश्योरेंस पॉलिसी है हिमालयन याक को दिया जा रहा है। सो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो टाई अप किया है, वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये है। ओके ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर यहाँ पे। ओके सो ये कौन से, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये एक्स हिमालयन याक्स जो है हमको कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, तो दिरांग, दिरांग जो है यहाँ पे कामा कमेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके अरुणाचल प्रदेश में हमको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे, ये याद रख लो, इम्पोर्टेंट है। अगर हम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 5 दिसंबर 1906 में हुआ था। अगर हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो कोलकाता में है इसकी हेडक्वार्टर्स, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो हु इज़ द चीफ मिनिस्टर, पेमा कांडू इज़ द चीफ मिनिस्टर। अगर यहाँ पे हम गवर्नर की बात करेंगे तो बीडी मिश्रा है। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लोकसभा में है 2, राज्यसभा में है 1, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सो द इंडियन नेवी हैज रिसीव द 10th एंटी सबमराइन वॉर एयरक्राफ्ट P-81 विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइन द डील टू ऑब्टेन द सेम। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है ये डील जो है साइन किया है इंडियन नेवी ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंडिया अडॉप्टेड द 2030 रोड मैप एंड हेल्ड इट्स इनॉग्रल मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग विथ विच कंट्री। सो कौन सी कंट्री के साथ जो है इनका जो है इनॉग्रल मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग जो है इन्होंने किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। सो यहाँ पे यूके की बात करते हैं तो लंदन इज़ द कैपिटल। करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे पाउंड चलती है। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो बोरिस जॉनसन विल बी योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, राइट। सो नेक्स्ट देखना, द गूगल मीट हैज पुट अप हाउ मच टाइम लिमिट ऑन ग्रुप वीडियो कॉल्स विद 3 और मोर पार्टिसिपेंट्स। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो जो फ्री एक्सेस है ना, सो जब गूगल मीट में फ्री एक्सेस है 60 मिनट्स तक ही कर सकते हैं, एंड 60 मिनट से अगर ज़्यादा करनी है तो वो पेड हो जाएगा। ओके
सो याद रख लो, नेक्स्ट देखना. सो विच सिटी होस्टेड द एसईओ फॉरेन मीटिंग मिनिस्टर्स मीटिंग. सो एसईओ का फुल फॉर्म पता ही है ना क्या है? शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एसईओ का फुल फॉर्म. यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में है. एंड नेक्स्ट इसके एस्टैब्लिश ईयर की बात करते हैं तो 15 जून 2001 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था. ओके सो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे दुशानबे में हुआ था. सो दुशानबे इज द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान. ओके अगर हम तजिकिस्तान की कैपिटल की बात करते हैं तो इट इज शिलिंग. शिलिंग इज द करेंसी. कैपिटल दुशानबे. याद रख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकती है. ओके सो आज इतने ही क्वेश्चन है, थोड़ा कम क्वेश्चन है आज. ओके कोई बात नहीं, कल हम थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे. ओके सो आज एक्चुअली हमारे यहाँ क्या हुआ ना, लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है. पता नहीं क्यों सुबह से बहुत हेडेक हो रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा 10 क्वेश्चन तो कर ही दिया आप लोगों के लिए. ओके कल ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं. आप सेफ रहो, बारिश में आपको बीमार जल्दी हो सकते हो. बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि कोविड बहुत फैलने की यहाँ पे अभी हो सकता है. ओके थर्ड वेव आ सकता है तो आप लोगों को अलर्ट रहना है. ध्यान रखो अपने आप का, अच्छे से रहो, और वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन ले लीजिए. काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लेना. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दो एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना. एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना. सो कल वाले सेशन में मिलेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस कर लेंगे कल, ठीक है ना? सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन. मिलते हैं अगले सेशन में एट द सेम टाइम. बाय बाय.